हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ साइंस का चैप्टर एट मोशन। ये देखिए फिजिक्स का है चैप्टर वन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मोशन क्या होता है। वैसे मैंने इसमें जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हमें पहले जान लेने चाहिए। मोशन होता है अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजिशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। आप चल रहे हैं, आपको कोई देख रहा है और आपकी, मान लीजिए सपोज करिए एक पॉइंट पर, ये पॉइंट ए है, यहाँ पर आपका फ्रेंड बैठा है और आप इस पॉइंट बी पर हैं, आपका फ्रेंड ए आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको देख रहा है। आप ऐसे करके चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो वो देख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आप पहले यहाँ थे, अब यहाँ से आप यहाँ पहुँच गए हैं और टाइम भी चेंज हो गया है। तो मोशन होता है कि आप मोशन में होते हैं, आप चल रहे होते हैं या आप गति में होते हैं, तो वो कैसे पता लगता है कि आपकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही होती है टाइम के साथ साथ। ये होता है मोशन। अब ओरिजिन, ओरिजिन किसको कहते हैं? हम कोई भी चीज़ जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं ना, जैसे कि हमने यहाँ पे ए बी माना था सपोज करिए, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं वो आपका क्या होता है? ओरिजिन होता है। फिर आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से, इस जगह से आप इस जगह पहुँचे, तो ये क्या है? डिस्टेंस कवर्ड है। तो ये क्या हो गया हमारा? डिस्टेंस, कि आप ओरिजिन से किस जगह तक पहुंच रहे हैं वो आपका डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखिए डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे छोटा डिस्टेंस आप ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से, आपको यहाँ जाना है, तो यहाँ जाने का सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा, सपोज करिए ऐसे करके आप जा रहे हैं, तो सपोज करिए कि छोटा डिस्टेंस आपको लग रहा है, तो जो डिस्टेंस का जो थोड़ा सा अलग वर्जन है डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में जनरली नहीं होता है, वो जैसे कि थोड़ा कर्व हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए कि मोशन क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और हमारा ओरिजिन क्या होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। अभी क्वेश्चन के साथ साथ अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी आती जाएंगी ना, वो मैं आपको पूरा अच्छे से समझाती जाऊँगी कि इस चीज़ का मतलब क्या होता है। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। एक एथलीट है, एथलीट होते हैं जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनको एथलीट बोलते हैं हम। तो वो क्या कर रहा है? एक सर्कुलर ट्रैक है, एक ऐसे करके गोल सा ट्रैक है, वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और घूम के वापस यहीं पे आ जा रहा है, मतलब एक राउंड कंप्लीट कर रहा है वो सर्कुलर ट्रैक का, जिस ट्रैक का डायमीटर कितना है? डायमीटर क्या होता है? ये वाला जो पोजीशन होती है ना, ये होता है डायमीटर। डायमीटर हमें दे रखा है कि 200 मीटर है, और 200 मीटर जो है वो जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, कितने टाइम में कवर कर रहा है? 40 सेकंड उसे लग रहे हैं, 40 सेकंड में वो एक चक्कर कंप्लीट कर ले रहा है। और उस गोले का, वो जो ग्राउंड है, उसका डायमीटर हमारा 200 मीटर है और टाइम उसे कितना लग रहा है? 40 सेकंड लग रहा है। तो हमसे पूछा गया है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा उसने 2 मिनट 20 सेकंड में, तो ये हमें बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट का हमने मतलब समझ लिया था, डिस्टेंस कवर्ड का भी मतलब समझ लिया था, है ना। तो डायमीटर हमें क्या दे रखा है? डायमीटर हमें दे रखा है 200 मीटर गिवन है। फिर रेडियस हमें कितना है? अब देखिए डायमीटर जो होता है, डायमीटर क्या होता है? 2 × रेडियस होता है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर बाय 2। तो डायमीटर हमें 200 दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर बाय 2, मतलब 200 / 2 100 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और नंबर ऑफ राउंड कितने लग रहे हैं? एक राउंड उस कवर कर रहा है, मतलब एक चक्कर वो उस ग्राउंड का लगा रहा है, कितने टाइम में? 40 सेकंड में, है ना। तो हमें टाइम दे रहा, हमें बताना है कि डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा 2 मिनट 20 सेकंड में। तो 2 मिनट में कितने, 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? आप पहले देखते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। 2 मिनट में कितने होंगे? 60 × 2 यानी कि 120 सेकंड। अब 120 के साथ 20 और है, मतलब 2 मिनट 20 सेकंड में वो कहाँ पहुँचेगा ये बताना है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब हो गया 140 सेकंड। तो मतलब 140 सेकंड बाद वो कहाँ होगा? तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है उसने वो निकाल ले रहे हैं। तो डिस्टेंस कवर इन वन राउंड, एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, कैसे निकालते हैं? देखिए डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो घूम करके पूरा यहाँ आया होगा, तो सर्किल का आप डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? उसकी सर्कमफेरेंस जो है उसको ही तो मेजर करेंगे। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्किल के? 2πr, है ना, 2πr होता है।
सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2πr हो गया, तो हमारे पास 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 22π7 रखते हैं हम, रेडियस हम लोगों ने निकाल लिया था कि 100 है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, 2 इंटू 22 तो 44 इंटू 100 तो 4400 डिवाइडेड बाय 7, जब हम 4400 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों का जो आंसर आ जाएगा, आप सॉल्यूशन कर सकते हैं है ना, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हम लोग चलो निकाल ही लेते हैं, आपको पूरे में करके दिखा देती हूँ। 2πr को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 2 इंटू 22 बाई 7, तो एक राउंड में डिस्टेंस कितना कवर किया पहले हम वो निकाल रहे हैं, तो ये है 4400 बाई 7, पहले हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पूरा करेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7/2 राउंड। अब 7/2 राउंड कैसे हो गए, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे पूरा निकाला हुआ है कि नंबर ऑफ राउंड इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में एक राउंड उसने कवर किया है, तो 140 सेकेंड जो हम लोगों ने निकाला था कि 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना करेगा, तो 140 को हम लोग क्या करेंगे, 140 को 40 से डिवाइड कर देंगे ये निकालने के लिए कि 140 सेकेंड में वो कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 140 डिवाइड बाय 40 हो जाएगा 7/2 राउंड है ना। फिर डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड है 2πr, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 7/2 राउंड, तो सिंपल सा करेंगे, देखिए पहले जो मैं बताई थी उससे और भी ज़्यादा सिंपल ये हो जाएगा कि 7/2 इंटू 2πr, कितना सिंपल हो गया, 2 से 2 कट गया और पाई की जगह 22/7 रख देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, तो पूरी हमारी कैलकुलेशन करके हमें मिल जाएगा डिस्टेंस जो कवर हुआ है 2200 कवर हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये होगा ना है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ तक सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल या फिर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आप कह सकते हैं, तो सबसे छोटा जो डिस्टेंस होगा वो, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 200 मीटर। तो ये वाला हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ जॉग्स फॉर फ्रॉम एंड ए टू अदर एंड बी, देखिए अब थोड़ा सा इसमें ब्लर हो गया है तो आप अपनी बुक खोल लीजिए साथ में, वैसे मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन है जोसेफ जॉग्स फ्रॉम एंड ए टू अदर एंड बी, तो एक कोई जोसेफ है वो एंड ए से दूसरे एंड बी तक क्या है, जॉग करता है मतलब भाग करके जाता है, एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड, तो 300 मीटर की सीधी रोड है और वो उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट, सपोज करिए ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, इन दोनों का डिस्टेंस देखिए हमने यहाँ पे बना रखा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 300 मीटर, और उसको टाइम कितना लग रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड उसको लग रहे हैं, एंड देन टर्न्स अराउंड ए से बी तक वो पहुंच जाता है कितना 2 मिनट 30 सेकंड में, फिर उसके बाद तो ये यहाँ से 300 मीटर हो गया, फिर वो टर्न अराउंड करता है और 100 मीटर तक और भागता है तो पॉइंट सी पे पहुंच जाता है, और उसको टाइम कितना लगता है बी से सी आने में, उसको टाइम लगता है हमें दे रखा है 1 मिनट लगता है। व्हाट, अब आप क्वेश्चन है व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी, तो उसकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी कितनी होगी जब वो ए से बी पॉइंट तक जो है वो भाग रहा है, तो वो हमें बताना है। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन है ना, ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, और एवरेज स्पीड क्या होती है कि पूरी स्पीड सपोज करिए आपकी एक जैसी तो स्पीड नहीं रह सकती जितने भी आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस पूरे डिस्टेंस का एक एवरेज निकाल लिया जाता है कि एवरेज तौर पर आप कितनी आपकी स्पीड रही होगी, जैसे आपने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया तो कुछ देर आपकी 10 मीटर पर सेकेंड रही, कुछ देर आपकी 50 किलोमीटर पर आवर हो गई, इस टाइप से आपकी स्पीड वेरी करती रहती है ना एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो एवरेज स्पीड कितनी रही वो हम लोग निकाल लेते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के उससे, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से हम लोग निकाल लेते हैं। फिर अब पूछा एक और वर्ड बताया गया है हमें इसमें वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कितना टाइम आपको लग रहा है, तो क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें बतानी है हमें, तो ए से बी जाने में हमारी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, तो डिस्टेंस हमें दे रखा है 300 मीटर, टाइम हमें कितना दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है 1 मिनट
हाँ नहीं नहीं सॉरी, तो टाइम हमें ए से बी जाने में 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड का टाइम ए से बी जाने में, तो कुछ भी नहीं करना। 2 मिनट को आप पहले सेकंड में चेंज कर लीजिए, तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करिए और सेकंड जो था उसमें ऐड कर दीजिए, तो 2 × 60 + 30 150 सेकेंड आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस 300 है, टाइम जो है वो हम लोगों ने 150 सेकेंड निकाल लिया है, तो हमारा 300 को 150 से काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। और तो हम लोग यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा? जो हम लोगों का स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रेवल होता है इनिशियल से फाइनल में, तो हम लोगों का स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस ए से बी क्या हुआ? 300 हुआ। और टाइम हमें कितना लगा? हम लोगों को 150 लगा। तो हमारी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या आ गई? सेम आ गई। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हम लोग ट्रेवल कर रहे थे। तो ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है इसका ए से सी वाला। ए से सी जाने में कितना टाइम लगा होगा? तो ए से सी में हम लोग गए थे, देखिए पहले हम ए से बी गए हम 300 मीटर, फिर बी से सी गए, है ना। तो ए से सी कैसे जाएंगे? पहले ए से बी और फिर उसके बाद बी से सी। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले 300 और फिर 100 में ऐड करेंगे उसको, है ना।